सो गाइज देयर इज एन अपडेट इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और उसके हिसाब से जो 10 साइंस के आपके 16 चैप्टर हुए करते थे अब वो 13 चैप्टर हो गए हैं पर मैं कहूंगा कि वो 12 चैप्टर हो गए. तो कैसे आइए देखते हैं. यू हैव केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, यू हैव एसिड बेस, यू हैव मेटल्स और मेटल्स, कार्बन कंपाउंड्स, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन. ठीक है, कौन सा चैप्टर डिलीट हो गया देखो यहां पर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन डिलीट हो गया है ना ऑफ एलिमेंट्स, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, इसमें से एवोल्यूशन वाला पार्ट यानी कि हाफ चैप्टर जो टफ वाला पार्ट था वो डिलीट हो गया. लाइट है, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड है, इलेक्ट्रिसिटी आ गया है जो ऑलरेडी था. ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट में से मोटर, जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, वो सब कुछ हट चुका है. सो ये हाफ हो गया. एंड अवर एनवायरमेंट जो है वो है तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये दो चैप्टर हो गए, ये तीसरा चैप्टर और ये आधा और ये आधा, ऐसे करके चार चैप्टर आपके लगभग डिलीट हो गए. और ये एनसीईआरटी के लिए मतलब बेसिकली सारे बच्चे, सारे स्टेट बोर्ड के बच्चे जो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं उनके लिए भी.